तो ये चटकदार है ना बिल्कुल, लाल साग और पनीर की रेसिपी। तो इस रेसिपी के लिए हमने 100 ग्राम पनीर लिया है, उसे इस प्रकार शेप में काटा है, और 250 ग्राम जो लाल साग है उसे हमने धो के काट के इस प्रकार से लिया है। तो अब हम एक फ्राई पैन लेंगे, पहले हम पनीर को हल्का रोस्ट कर लेंगे, क्योंकि हल्का रोस्ट करने से इसका स्वाद थोड़ा अच्छा आता है और ये खाने में भी बढ़िया लगता है। तो हम यहाँ पर हल्का रोस्ट कर लेंगे। आपको रोस्ट करना नहीं हो, कच्चा खाना पसंद हो तो कच्चा भी डाल सकते हैं इस प्रकार की रेसिपी में आप। तो ये देखिए हमारा फ्राई हो गया अच्छे से पनीर। तो हम इसे निकाल लेंगे और कितना बढ़िया ये फ्राई हुआ है आपको देखने से अंदाज़ा लग गया होगा। तो इसी प्रकार से हमने सारे पनीर को निकाल लिया है और इसी फ्राई पैन में हम थोड़ी सी तेल और एक चम्मच डाल के, और ये हमने एक छोटी चम्मच जीरा डाला है। उसके बाद हम यहाँ पे 2 से 3 लाल मिर्च को 2 टुकड़ों में तोड़ के यहाँ पे डाला है, और इसे थोड़ा रोस्ट करने के बाद हम यहाँ पे लहसुन डालेंगे। लहसुन हमने 5 से 7 कलियाँ लेके उसे 2 से 3 भागों में, पतले भागों में चीरा लगा के यहाँ पे डाला है, और इसे भी हल्का रोस्ट करने के बाद अब हम यहाँ पे लाल साग डालेंगे। तो ये जो साग की रेसिपी है फ्रेंड्स, इसे बहुत जगह चौलई साग भी बोलते हैं, लेकिन हम लोग अपने यहाँ लाल साग, गेंधारी साग इस नाम से जानते हैं इसे। तो आपके क्षेत्र में किस नाम से जाना जाता हो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप किस नाम से इस साग को पुकारते हो। तो ये देखिए हमारा ये कवर करके हमने पकाया है, और मीडियम फ्लेम पे हम कवर करके इसे पकाएंगे। तो ये देखिए हमारा साग ये सॉफ्ट हो रहा है और अच्छे से ये पक भी रहा है। तो इसी प्रकार से 1 से 2 बार आप कवर करके इसे पकाएंगे तो ये बहुत ही जल्दी पक जाएगा, ये बहुत ही सॉफ्ट होता है। अब हम यहाँ पे नमक डाल देंगे। नमक डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। तो ये देखिए हमारा मिल गया है। तब हम एक बार फिर से इसे कवर करके इसे मीडियम फ्लेम पे ही पकाएंगे, मीडियम टू लो पे, ज़्यादा तेज़ नहीं करेंगे फ्लेम को, नहीं तो हमारा साग जल जाएगा। तो ये देखिए ये हल्का पानी भी छोड़ दिया था। अब हम यहाँ पे थोड़ी सी मसाला ऐड करेंगे, सब्जी मसाला और आधी से कम चम्मच गर्म मसाला और आधी से कम चम्मच लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी तीखापन के लिए। तीखापन इसमें ज़रूरी है ताकि जो हम इस प्रकार की जो रेसिपी बना रहे हैं साग और पनीर की वो बहुत ही डिलीशियस बने। तो अब हम मसाला भूनने के बाद हम यहाँ पे पनीर को डाल के इसे अच्छे से मिला लेंगे, और इसे मिलाने के बाद हम थोड़ी देर 1 से 2 मिनट पकाने के बाद इसमें हम टमाटर ऐड कर लेंगे। टमाटर को हमने छोटे छोटे शेप में काटा है। टमाटर को हम लास्ट में इसीलिए डालेंगे क्योंकि टमाटर को हमें ज़्यादा इसमें पकाना नहीं है, इसका शेप बरकरार रखेंगे। केवल थोड़ा सा केवल इसे सॉफ्ट करके इसे पकाएंगे। तो टमाटर डालने के बाद भी इसे कवर करके थोड़ी देर हम पका लेंगे। इतना हमें पकाना है कि टमाटर हमारा ज़्यादा बिल्कुल गले ना, थोड़ा सा ये खड़ा रहे, ताकि इसका भी जो टेक्सचर है इस रेसिपी में वो बना रहे। तो ये देखिए हमने फिर से कवर करके इसे पकाया है। तो अब हमारा ये टमाटर अच्छे से सॉफ्ट भी हो गया है, ज़्यादा पका भी नहीं है। तो ये फाइनली हमारा साग और पनीर की रेसिपी बनके तैयार है फ्रेंड्स। अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। तो आप देखिए कितना बढ़िया इसका टेक्सचर लग रहा है, और आप भी इस रेसिपी को अपने घर के एक बार ज़रूर ट्राई करें, और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको रेसिपी कैसी लगी फ्रेंड्स। तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि इसी तरह की रेसिपी आपको आगे भी मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।